बाय द वे वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूं अल्पेश कुमार और फे कुमार और आप देख रहे हैं कुमार ट्रेल्स। दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है। और कल का आपने व्लॉग देखा पैंगोंग लेक से, वहां बहुत मस्ती की। वो एक्चुअली बहुत 14,500 फीट की ऊंचाई पे था, तो उसकी वजह से वहाँ सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती थी। यानी आप ज़्यादा एक्सरसाइज वाला कुछ काम नहीं कर सकते वहाँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ता है वहाँ। और आपने देखा होगा कि जो पेंगोंग लेक है वो पूरा फ्रोजन हो गया है। यानी कि जो मज़ा था समर में जो आता है वो अभी वो उतना मज़ा नहीं है, क्योंकि 15 -15 का वहाँ टेम्परेचर था, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। फिर भी हमने वहाँ, हमारे साथ जो गाड़ी में और भी लोग थे, तो हम लोगों ने वहाँ मज़ा किया। वहाँ तो काफ़ी देर वहाँ बिताया हमने। बाद में हम वहाँ से निकले। यह है वाइल्ड एस जंगली गधा। और ये हम हैं पैंगोंग लेक के नजदीक। ये हिमालयन शिप्स है, पश्मीना गोट, सबसे एक्सपेंसिव गोल पता है। या कश्मीर पश्मीना गोट्स, एंड आई थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव। या तो ये याक है यहाँ पर बहुत सारे। इस तरफ भी है बहुत सारे। ये नदी पूरी सूख गई है। जी तो हम चेक पोस्ट पे रुके हैं अभी। सॉरी चेक पोस्ट का मैं पिक्चर नहीं बना सकता, वीडियो नहीं बना सकता। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. So guys, अभी हमें चंगला पास, second most highest motorable road in the world. Changla Pass, and we are on the top of Changla Pass. यह है Changla Pass. तो यह है Changla Pass. Through the highways, and on we'll go.
दोस्तों चांगला टॉप से तकरीबन 500 मीटर दूर जाने के बाद वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया, लैंडस्लाइड हुई होगी उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ। तकरीबन 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा, लेकिन 17,500 से भी ज़्यादा ऊंचाई पर अगर ज़्यादा रहते हो तो एमएस का शिकार होते हो आप, एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस का। तो वही मेरे साथ भी हुआ, सर दर्द करना, वॉमिटिंग जैसा होना, ऑक्सीजन की कमी, ये सब होता है। तो मेरा ऑक्सीजन लेवल तकरीबन 65-67 ऐसा हो गया था। ये देखिए दोस्तों, मेरा ऑक्सीजन लेवल इतना गिर चुका है। चांगला पास का जो आपने वीडियो देखा वहाँ, उसके आगे ट्रैफिक जाम हो गया, उसके बाद मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी। मेरा ऑक्सीजन लेवल कुछ 63-65 ऐसा हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, यानी कि सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन सिर चकरा रहा था और वॉमिटिंग जैसा हो रहा था। तो मैंने तुरंत डाइमोक्स ले ली, लेकिन डाइमोक्स असर करने में आधा घंटा तो लगता ही है। तो वहाँ कुछ मिलिट्री वाले भी थे, सब थे, हेल्प तो वहीं पे थी, अगर ज़्यादा कुछ होता तो हेल्प मिल जाती, वहाँ ऑक्सीजन भी था मिलिट्री के बेस में। तो मेरी एक सलाह होगी कि आप जब भी जाओ तो अपने प्रिकॉशन पूरे रखो और दवाई वगैरह अपने पास ही रखो, कुछ एहतियात बरतना ज़रूरी है। वैसे वहाँ 15-20 मिनट से या आधा आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, लेकिन कल 1.5 घंटे ट्रैफिक जाम हो गया था वहाँ, तो रुकना पड़ा था ऐसी सिचुएशन में। अपनी हिफाजत के लिए वहाँ कुछ ना कुछ तो अपने साथ होना ही चाहिए प्रिकॉशन के लिए। और एक छोटा सा सिलेंडर भी आता है ऑक्सीजन का, अगर वैसे वैसे ज़रूरत तो नहीं रहती है, लेकिन अगर रखो तो अच्छा है, नहीं तो ठीक है, डाइमोक्स से काम हो जाता है। अपने डॉक्टर से पूछ लो क्या प्रेफर करते हैं, तो इसके हिसाब से आप सब कर सकते हो।